शहर के रिको क्षेत्र में रविवार को शाम बिजली के शॉर्ट सर्किट से प्लास्टिक कट्टे के गोदाम में आग लग गई। आग लगते ही कट्टे धधक उठे, जिसके कारण देखते ही देखते आग ने विकराल हो गई। मौके पर काम कर रहे मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आगजनी की इस घटना में लाखों का नुकसान माना जा रहा है। सूचना के तत्काल बाद नगर परिषद की फायर शाखा एवं श्री सीमेंट लिमिटेड से टीम मौके पर पहुंची, जिसने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगजनी की खबर मिलते ही उपखंड अधिकारी मृदुल सिंह, नायब तहसीलदार सत्यनारायण सिंह एवं सहायक पुलिस अधीक्षक मनीष चौधरी मई टीम के मौके पर पहुंचे तथा मौका मुआयना किया। जानकारी के अनुसार रिको क्षेत्र में प्लास्टिक के कट्टे का काम करने के लिए खन्ना कॉलोनी निवासी मनीष मोयल ने गोदाम किराए पर ले रखा है। बताया जा रहा है कि रविवार की शाम करीब 6 बजे के लगभग पास ही स्थित बिजली के ट्रांसफार्मर में हुई स्पार्किंग के बाद गोदाम में रखे कट्टों ने आग पकड़ ली। काफी मात्रा में प्लास्टिक कट्टे रखे होने से आग विकराल हो गई। गनीमत रही कि गोदाम में काम करने वाले मजदूरों का यूं तो छुट्टी का समय हो गया था, लेकिन फिर भी आनंद फानंद में जो थे उन्होंने भी मौके से भागकर अपनी जान बचाई। आगजनी की इस घटना में गोदाम को भारी क्षति पहुंची है। इसके अलावा भी करीब 20 लाख का माल जलने का अनुमान लगाया जा रहा है। आग की लपटों को देख आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। मौके पर बड़ी संख्या में फैक्ट्री मालिक एवं श्रमिक एकत्रित हो गए। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद कहीं जाकर आग पर काबू पाया गया। रिको इंडस्ट्रियल एरिया में एक फायर की घटना हुई। मनीष मोयल करके एक व्यक्ति है, उनका एक गोडाउन था जिसमें एलिजिटली प्लास्टिक रखा हुआ था। वहाँ पे शॉर्ट सर्किट या स्पार्किंग की वजह से आग लगी, तो मौके पे तुरंत नगर परिषद के फायर टेंडर और श्री से फायर टेंडर को बुलाया गया। पुलिस प्रशासन, नगर परिषद और फायर की सारी टीमें थी, और मौके पे प्राइम ऑफ ऐसा ही देखा गया है कि कोई ह्यूमन कैजुअलिटी नहीं है। इनका जो गोडाउन था वो तो शायद से पूरा जल गया है। बाकी नगर परिषद की फायर की टीम और पुलिस की टीम एक बार जब पूरी आग ढंग से शांत हो जाए तो उसमें अपनी रिपोर्ट बना के पेश करेगी। अभी फायर पे कंट्रोल पा लिया गया है, लेकिन बिकॉज प्लास्टिक था और प्लास्टिक ज्वलनशील पदार्थ है, तो एक बार टीम फाइनल मशक्कत और करेगी और पूरा जब कंट्रोल में आ जाएगा तो उसके बाद ही हम कुछ क्लैरिटी से बोल पाएंगे क्या हुआ है। बट गनीमत है कि किसी ह्यूमन या कोई मनुष्य कैजुअलिटी, कोई मानव जिंदगी का लॉस नहीं हुआ है। बाकी अभी एक बार जब रिपोर्ट पेश करेंगे सारे डिपार्टमेंट्स तो पता चलेगा। आग जहाँ तक प्राइम ऑफ ऐसा ही दिख रहा है, पास में जो ट्रांसफार्मर्स थे, बिजली के लाइन थे, वहाँ पे भी आग फैली हुई है। तो और जो फायर की टीम ने बताया है वो यही है कि शॉर्ट सर्किट या स्पार्किंग की वजह से कहीं से लाइट। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर शहर का पहला एकमात्र NABH हॉस्पिटल, जहां आपको पथरी के समस्त प्रकार के ऑपरेशन दूरबीन के माध्यम से, दूरबीन से बच्चेदानी का ऑपरेशन, बिना चीरे की आधुनिक मशीनों द्वारा फ्रैक्चर का ऑपरेशन, हर्निया, अपेंडिक्स, पायल्स के ऑपरेशन बिना चीरफाड़ दूरबीन के द्वारा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एवं RGHS के तहत निःशुल्क इलाज के लिए अधिकृत, जिसमें प्रोस्टेट का ऑपरेशन, पथरी का, ब्लैडर, CRA मशीन द्वारा फ्रैक्चर के ऑपरेशन, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन, चिरंजीवी योजना के तहत निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। OPD में फिजिशियन, जनरल सर्जन, अस्थि रोग शिशु रोग विशेषज्ञ, मूत्र रोग विशेषज्ञ, दंत रोग स्थि रोग विशेषज्ञ और डायलिसिस की तमाम सुविधा के साथ इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल में डिलीवरी होने पर जन्य सुरक्षा योजना के तहत ग्रामीण महिला को 1400 रुपए, वैशाली महिला को 1000 रुपए का लाभ 24 घंटे आपातकालीन सुविधा के साथ। आनंद हॉस्पिटल, जालिया रोड, गोविंदपुरा, ब्यावर। मोबाइल नंबर 9269625000।